पावरपफ, आज हम पावरपफ का शोपीस बनाते हैं जो क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले हम तीनों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तीनों सिस्टर्स हैं और एक टीम बन के वो काम करते हैं। तो पहले सिस्टर का नाम है ब्लॉसम, जो कमांडर और लीडर है टीम के। दूसरी है बबल, जॉय एंड लाफ्टर को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी है फटकअप, जो टफेस्ट फाइटर है। ये तीनों बहनें मिलके दुनिया को बचाती है क्राइम से। तो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो है क्ले। ये जो क्ले है, मैंने एक और बॉक्स लिया क्योंकि मुझे और कलर चाहिए था। ये बॉक्स जब लिया तो मुझे उसके साथ ये रोल और ये नाइफ फ्री मिला। दूसरे जो मटेरियल्स है उसके अलावा थर्मोकॉल, जो थिन थर्मोकॉल होना चाहिए। फिर ग्लिटर, ग्लिटर पाउडर फॉर्म में भी चलेगा या तो रंगोली के ऊपर जो डालते हैं ग्लिटर वो भी चलेगा, सिल्वर ग्लिटर। फिर टूथपिक, ग्लू और एक सर्कुलर बॉक्स, सीजर और क्विलिंग पेपर। क्विलिंग पेपर इसलिए लिया है क्योंकि जो क्विलिंग पेपर है उसको फोल्डिंग और मोल्डिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। तो उसके बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसका फेस बनाने के लिए आपको सर्कुलर मोशन में उसको रोल करना है, जैसे आप चपाती का आटा घोलते हैं सर्कल बनाते हैं, वैसे इसका भी करना है। तो आपको तीन ऐसे सर्कल्स बनाने होंगे, तो आप तीन सर्कल बनाइए। उसके बाद उसके आंखें बनाने के लिए आप दो कलर लीजिए। तो जो ग्रीन वाला है वो येलो वाले से थोड़ा बड़ा होगा, तो ग्रीन वाले को आप फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर येलो वाला सर्कल जो रख के उसको आप प्रेस कर दीजिए। ये एक टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है, आप येलो वाला बड़ा सर्कल लीजिए, उसको आप प्रेस कीजिए और जो ग्रीन वाला है उसको रोल करके आप यू शेप में येलो वाले के साइड में स्टिक कर दीजिए। फिर उसका बॉडी पार्ट जो है उसके लिए आप ट्रायंगल शेप बनाइए और एक सर्कुलर शेप बना के उसको बेलन से, जैसे चपाती बेलते हैं वैसे आप उसको बेल दीजिए। उसको फिंगर से भी आप प्रेस कर सकते हो। और उसके हाथों के लिए आप इसको ऐसे रोल कीजिए, जैसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे दिख रहा है, इसको रोल कीजिए। और उसकी जो अंदर वाली जो आई बॉल्स है उसके लिए आप छोटे छोटे मोती यूज कर सकते हो। और उसका हेयर स्टाइल के लिए आप अलग कलर, जैसे ब्राउन, ब्लैक या येलो, जो भी आप कलर यूज करना चाहते हो कर सकते। तो ये ऐसे दिखेगा हेयर स्टाइल उसके ऊपर लगाने के बाद। अब उसका बॉडी का और जो उसका हाथ है उसको ज्वाइन करना है। तो जो उसके हैंड्स है उसके सेंटर में आप ट्रायंगल रख दीजिए, ट्रायंगुलर बॉडी। फिर उसको प्रेस कर दीजिए और फिर उसको उल्टा करने के बाद जो ट्रायंगुलर बॉडी जो है उसका ऊपर का पार्ट जो है उसको फोल्ड करके नीचे की तरफ लेके आइए, उसको स्टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसका जो हैंड्स है वो फॉर्म रहेगा। और ये हमें दो मिल गया, एक उसका स्कर्ट और उसका ऊपर का बॉडी। ये जो स्कर्ट जो है उसको आप डिजाइन दे सकते हो जैसे आप चाहे। टूथपिक का यूज करके ऐसे शेप दिया मैंने, तो आप उसको ऐसे शेप दे सकते हो। तो मिले हैं अब एक उसका सर और उसका जो बाल है, उसका स्कर्ट और उसका बॉडी जो हैंड्स के साथ है। और वो जो उसकी आंखें है जो मोती लगाना है उसके लिए आप टूथपिक में उसको पकड़िए और उसको जो क्ले का जो सर बना है उसका जो आईज आई बॉल का एरिया है वहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर दीजिए।
का जो सर्कुलर बॉक्स है उसके लिए आपको क्विलिंग पेपर लेना है, तो मैंने इसमें क्रीम और मरून कलर का क्विलिंग पेपर लिया है। सबसे पहले मैंने क्रीम वाला जो है उसको लगा दिया, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप नीचे की तरफ मैंने लगाया हो, उसको आप फेविकॉल से लगाइए और उसका जो सर्कुलर एरिया है वहाँ पे भी फेविकॉल लगा दिए, उसको रोल करते हुए एंड तक लेके आके उसको स्टिक कर दीजिए। वैसे ही मरून का भी स्टार्टिंग में मैंने उसको स्टिक किया, उसका सर्कुलर एरिया में फेविकॉल लगा के उसको रोल करके एंड में लेके आके स्टिक कर दिया, तो ये ऐसे लगेगा फाइनली। ये जो है थोड़ा ऐसे सैटन रिबन जैसा फील देता है। अब उसका बो बनाना है हमको। बो बनाने के लिए आपको फिर से क्विलिंग पेपर लेना है मरून कलर का, ठीक है। इसको आप थ्री के शेप में आप फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ऊपर का जो थ्री एरिया रहेगा वो स्मॉलर साइज रहेगा और नीचे का बड़ा साइज। फिर जो नीचे का जो एज है थ्री का वहाँ पे आप फेविकॉल लगा के ऊपर का जो एज है उसके उसको आप लेके स्टिक कर दीजिए, और उसके बाद में आपको ऐसे मिलेगा। तो ये बीच में जो स्क्वायर बना है उसको पीछे की तरफ, उसका जो पीछे का एरिया है मतलब अंदर अंदर फेविकॉल लगा के उसको भी स्टिक कर दीजिए, और फिर फाइनली बॉक्स पे आप ऐसे लगा सकते। अब हम इसको प्लेसमेंट करेंगे। उसके लिए पहले जो बॉक्स के अंदर आपको थर्मोकॉल लगाना पड़ेगा, तो ये जो सर्कुलर बॉक्स है उसका मेजरमेंट लेके आप थर्मोकॉल कट कीजिए सर्कल शेप में। अब ये बॉक्स का जितना हाइट है उतना आपको स्टैक करना पड़ेगा, और मैं थिन थर्मोकॉल इसलिए लिया है क्योंकि कटिंग में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हाइट के हिसाब से आप सर्कल्स कट कीजिए। तो इसमें मैंने दो सर्कल्स लिया था मकॉल का, एक के ऊपर एक रखा है मैंने। अब जो उसका स्कर्ट है सबसे पहले वो लगाना है, उसके ऊपर उसका बॉडी जो उसको प्लेस करना है, फिर उसके सर को प्लेस करना है। अब ये जो तीनों चीज है उसको फॉर्म रहने के लिए सबसे पहले तो जैसे आप उसको प्लेस करते जाओगे वैसे आप फेविकॉल लगाते जाइए, उसके बाद उसको और फर्म रखने के लिए टूथपिक लीजिए, और ये जो बॉक्स का जो हाइट है मतलब ये जो कार्टून कैरेक्टर है उसका हाइट और ये बॉक्स का जो हाइट है टोटल में जितना होता है वो आप अंदाजा लगा के वो टूथपिक को उस हिसाब से ब्रेक कर दीजिए, ओके। और फिर उसके पीछे की तरफ से सेंटर में से सेंटर मतलब थोड़ा सा पीछे एकदम सेंटर में थोड़ा पीछे से आप इसे टूथपिक लेके अंदर इसके इंसर्ट कर दीजिए, तो वैसे फॉर्म रहेगा। उसके बाद में आपका वो जो और इसका जो बाल है वो आप उसको स्टिक कर दीजिए। अब बनाते हैं। उसके लिए आपको टूथपिक चाहिए, ओके, और एक ग्रीन कलर का क्ले चाहिए। तो आप लाइट ग्रीन यूज करना चाहते हो लाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हो, डार्क ग्रीन भी। फिर वो जो ग्रीन कलर का क्ले है उसको आप रोल करके ऐसे फ्लैट कीजिए और ऐसे रोलर पिन जैसे भी आपको रोल करना है। तो सबसे पहले टूथपिक को ऐसे बीच में रख के ये फ्लैट ग्रीन क्ले के ऊपर रोल करना है, तो ऐसे रोल करके ऐसे आप स्टिक कर दीजिए तो ऐसा लगेगा। अभी आप चाहे तो इसको यहीं पे रोक के यहीं रख सकते हो एज ए क्रिसमस ट्री, और इसको ही डेकोरेट कर सकते हो। बट अगर आपको उसको तोड़ी देना हो तो आप उसको ऐसे कीजिए, जो रोल्ड क्ले था उसको आप रखिए 1, 2, 3, 4 जितना लेयर्स आपको चाहिए उतना उस हिसाब से ऐसे स्टिक कीजिए, और ऐसे ही सेम आपको पीछे भी करना है। फिर लास्ट में उसको स्टिक कर देना है साइड से जैसे आप ट्रे करते हो वैसे, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेगा।
उसके बाद में आप यहीं पे रुक के ये जो ऊपर की जो क्ले है और पीछे का जो ट्रे है उसको आप मिक्स करके इसको आप क्या बोलेगा एक दूसरे से मिक्स करके बैकग्राउंड और ये जो आगे का जो है मतलब कॉर्नर्स नहीं जो सेंटर का है उसको ऐसे मिक्स करके आप 2D ट्री भी बना सकते हो। फिर भी अगर आपको 3D बनाना हो तो आप ऐसे ही उसके बीच में जो अभी एरिया बचा है तो उसमें भी आप ऐसे ही प्रेयर टाइप स्टिक करना है आपको आगे और इसके साइड्स में आएगा अभी ओके तो ऐसे आप स्टिक कर दीजिए ऐसे दिखेगा और ऐसे आप करते जाइए लास्ट में वो सबको आपको ब्लेंड कर देना है एक दूसरे के साथ तो ये ट्री ऐसे दिखेगा। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप येलो कलर का आप ले लीजिए उसको रोल कीजिए और ट्री में ऐसे प्लेस करते जाइए रोटेटिंग और उसमें जो बॉल्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए आप थोड़े से बड़े मोती लीजिए पर्ली टाइप लेंगे तो अच्छा भी दिखेगा। इसको टूथपिक में डाल के इसमें डालते जाइए ठीक। अभी इसमें ऐसे डालने के बाद जगह बन जाएगा ऐसे सर्कुलर फिर उसको फिक्स कर दीजिए और ये जो मोती है उसके सेंटर में ऐसे होल है ना तो आप ये मोती को बाद में फिंगर से रोल भी कर सकते हैं तो वो होल नहीं दिखेगा। फिर आप स्टार शेप बना के ट्री के ऊपर रखिए और ये जो ट्री का जो ग्रिप अच्छा आने के लिए आप 2 टूथपिक भी यूज कर सकते हो ठीक है। 2 टूथपिक यूज कर दीजिए इसका बॉडी के लिए और इसको कवर कर दीजिए ब्राउन कलर के क्ले से ट्री का नीचे का एरिया फिर इसको आप प्लेस कर दीजिए जो थर्मोकॉल है उसके ऊपर। अभी जो ग्लिटर है सिल्वर वाला उसको आपको इस पर स्प्रिंकल करना है तो पहले आपको उस एरिया में जो थर्मोकॉल का अपर एरिया साइड का जो कार्टून के आसपास का एरिया उसमें आप पहले फेविकॉल लगा दीजिए उसके बाद में ग्लिटर को स्प्रिंकल कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्रिसमस का क्यूट शोपीस आप रख सकते हो ये शोपीस में अच्छा लगेगा। सो मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपके सारे ड्रीम्स सच हो जाए।